पर हम हार मान रहे हैं। हार मानने के लिए नहीं बुलाया हमें, हारने के लिए भी नहीं बुलाया है। हाँ, तुझसे गलती हुई है, तुझसे गलती इसके लिए हुई है क्योंकि शैतान को भी पता था अगर तुझसे गलत नहीं करवाएंगे तो तेरे जीवन में भलाई बहुत लिखा है, इसके लिए तेरे खिलाफ शैतान इतना है। मैं दो हफ्ते पहले भी आपको बोल चुका हूं, फिर से ये लाइन आपको मैं बोलूंगा, अगर तेरे जीवन में शैतान की ओर से युद्ध नहीं है इसका मतलब शैतान को तुझसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तू सुबह उठता है और शैतान तुझसे युद्ध करने आता है, हर हफ्ते तू युद्ध में है, हर महीने अगर तू युद्ध में है, आनंदित हो जा, किसी को तुझसे फर्क पड़ रहा है, किसी को तुझसे फर्क पड़ रहा है। अगर आपके पास आपका बाइबल है निकालिए जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 1, उत्पत्ति की किताब तीसरा अध्याय उसका पहला वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड, एक और बार आप सबको आज की आराधना में स्वागत करता हूं जो यहां पे है और उसके अलावा आई मीन जितने भी लोग ऑनलाइन में हैं उन सबको परमेश्वर आशीषित करे। आमीन। मैं जानता हूँ बाहर बारिश हो रहा है, आमीन, लेकिन तब भी परमेश्वर आपको लेकर आया, खुदा बाप का धन्यवाद हो। आमीन। बोलिए, नथिंग can stop me from the love of Jesus Christ. बोलिए कुछ भी, बोलिए कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। और अब मेरे साथ कहिए, धन्य तेरा नाम है यीशु, लाइफ के हर ब्रदर भाई कहिए, धन्य तेरा नाम है यीशु, सब वर्णन से अपार है यीशु। आज अगर आपका विश्वास यही है तो वो नाम आपके लिए काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो नाम हमारे लिए भलाई लेकर आएगा। आमीन। मिलके एक साथ उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब तीसरा अध्याय पहला वाक्य। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में से सांप धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसका खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। पवित्र आत्मा, आपके मदद को मांगते हैं सुनने वालों के लिए, और मांगते हैं मैं जो बांटूंगा खुदा, मेरे जुबान के हर शब्द विचार पवित्र आत्मा आपके अनुसार हो, हर व्यक्ति के दिल से आज बातचीत करना, आदर और महिमा सिर्फ आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते मिलके एक साथ कहेंगे आमीन। आमीन। आज मेरे टॉपिक का टाइटल है सावधान रहो। सावधान, किसी को देख के बोलो सावधान रहो, ना किसी को देख के बोलो, उन्हें एक बार हाथ मिला के बोलो सावधान रहो। हालेलुया। ये सावधान इंडिया नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उससे भी खतरनाक सावधान वाली चीजें है। हालेलुया। हमें सावधान रहना है पाप से, प्रेज़ लॉर्ड। आज जैसे मैंने दूसरे आराधनाओं में सिखाया वैसे ही आमीन, आज मैं आपको कुछ ऐसा चीज सिखाना चाहता हूं कि कैसे शैतान आपको अटैक करता है। शैतान के पास बहुत सारे तौर तरीके नहीं है अटैक करने के, उसके पास कुछ ही तौर तरीके हैं, और उसी को बार बार वो जिंदगी में क्या कर रहा है, अपना रहा है। उसके पास कोई भी नई चीज करने को नहीं है। आप जानते क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ एक स्वर्गदूत है। हालेलुया। नया करने का ताकत सिर्फ परमेश्वर के पास है। हालेलुया। परमेश्वर क्रिएटिव है, वो उसके पहले नाम में ही है, इलोहिम। इसका मतलब है कुछ नहीं में से बहुत कुछ लाने के काबिल रखने वाले को कहते हैं इलोहिम। खुदा क्रिएटिव है, नया कर सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नए कार्यों को उत्पन्न कर सकता है, नई चीजों को लेकर आ सकता है, लेकिन शैतान कुछ भी नया
नहीं कर सकता, he doesn't have that creativity. तो जैसे वो पहले पिछले 6000 साल से गिरा रहा है, आज भी वही तरीका है उसके पास, और आज हम उसके तरीके को सीखने वाले। आप तैयार है सीखने के लिए उसका तरीका? मतलब एक बार आपको पता लग जाएगा ना उसका तरीका क्या है, फिर आसान हो जाएगा हमारे लिए सब कुछ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब इसे समझने के लिए आपको एक और वचन पढ़ना पड़ेगा। तीन तरीके उसके पास गिराने के, आप सीखने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। तीन तरीके उसके पास, सारे पॉइंट्स प्रथम हम डाल सकते हैं उसके अंदर, वंडरफुल। आमीन। पहला योहन्ना दूसरा अध्याय 16वां वाक्य, पहला योहन्ना दूसरा अध्याय 16वां वाक्य, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 16, पहला योहन्ना 2:16। लिखने वालों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। पहला योहन्ना 2:16, तैयार है पढ़ने के लिए? आप सब लोग पढ़ सकते हैं। आमीन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से आता है। एक और बार ट्राई कर सकते हैं, एक और बार कोशिश कर सकते हैं, चलो लेट्स रीड दैट अगेन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका या जीवन का घमंड, किससे नहीं आता है? पिता की ओर से नहीं आता है, परंतु किसकी ओर से आता है? संसार या संसार को चलाने वाले शैतान की ओर से आता है। शैतान के पास तीन तरीके आपको गिराने का, तीन तरीके। ये तीन तरीके पिछले 6022 साल से वो यही अपना रहा है। उसने स्वर्ग में भी यही तरीका अपनाया था, और पृथ्वी में भी वो एग्जैक्टली इसी तरीके से क्या करता है, एक व्यक्ति को गिराता है। उसके पास कोई नया तरीका नहीं है। पहला आज हम सीखेंगे, पहला क्या है, शरीर का अभिलाषा। किसका अभिलाषा? आप पीछे बोल सकते हैं कौन सा पहला? आमीन। उसे इंग्लिश में बोलते हैं लस्ट ऑफ द फ्लैश। आमीन। बाहर का जो चमड़ा है, इसकी कुछ अभिलाषाएं हैं। आमीन। तो पहला वो किस तरीके से गिराएगा हमें? शरीर की अभिलाषाओं में गिराएगा। दूसरा आंख की अभिलाषा, किससे? ना ना, अभी ऐसा बोलोगे तो नहीं चलेगा। आमीन। किससे? किस, कौन सी अभिलाषा? आंख। अधिकतर लोग पाप, ये जो पोर्नोग्राफी देखते हैं, ये जो लड़की छेड़ते हैं, आमीन, ये जो मर्दों के पीछे भाग जाते हैं, अनवांटेड रिलेशनशिप में चले जाते हैं, चुप होने की क्या बात है इसके अंदर? हालेलुया। ये सब कहां से शुरू होता है? ये आंख। हालेलुया। आमीन। तीसरा जीवन का घमंड। कौन सा घमंड? जीवन का आ जाता है ना, हम कुछ है करके एक फीलिंग जब आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? जीवन का। अगर आपको उन दोनों में नहीं गिराया तो वो किस में गिराएगा? कुछ लोगों को आप मिलोगे ना, वो किसी के नीचे सबमिसिव नहीं है। उनका ना कोई स्पिरिचुअल फादर है, ना उनका कोई मेंटर है। आमीन। कोई नहीं है उनका। वो मेंटर भी उसे बनाते हैं जो जिससे वो बात ही नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं, मुझे अपना स्पिरिचुअल मेंटर मत बनाना। अगर आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हो, मैं आपका मेंटर नहीं बन सकता, क्योंकि मैं आपको मेंटरशिप नहीं, मैं आपको सिर्फ वचन दे रहा हूं। मेंटर वो होता है जो आपके मुंह पे देके बोल सके सही क्या है और गलत क्या है। हालेलुया। इसके लिए बताया जा सकता है, आस पास का कोई कलीसिया ढूंढना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमीन। और उसमें जाना और एक स्पिरिचुअल मेंटरशिप। अब फादर मदर क्या है हमारे? मेंटर्स। टीचर्स क्या है हमारे? मेंटर्स। हालेलुया। पति का मेंटर बीवी, और बीवी का मेंटर कौन है? कौन है? पति। पति पत्नी का मेंटर कौन है? परमेश्वर। बच्चों का मेंटर कौन है? मां बाप। हालेलुया। तो घमंड कौन लेकर आता है? शैतान लेकर आता है। आपने सीख लिया? एक और बार ट्राई कर सकते हैं। पहला, अरे यार क्या हो गया तुम्हें? पहला कौन सा? दूसरा? अच्छा चलो ऐसे कोशिश करते हैं, आपके पास हाथ है, जिसके पास हाथ है वो जरा उठाइएगा। कुछ लोग खड़े हो गए, पता नहीं हाथ बोला है। हालेलुया। है आपके पास? अब बोलिए शरीर की अभिलाषा। वंडरफुल, जबरदस्त। इसका फोटो अगर ले लो तो बढ़िया हो जाएगा। हालेलुया। आई डोंट नो वेयर यू आर सैम। आमीन। पहला कौन सा है? तो शैतान आपको कहां से गिरा सकता है? कौन सा है? दूसरा बोलिए आंखों की अभिलाषा। तीसरा बोलिए घमंड। घमंड सोर्स है ये दिमाग, घमंड का।
ये कुछ भी सोच दिला सकता है आपके अंदर, इमेजिनेशन है, घमंड दे सकता है आपको। हमने उपवास में सीखा था, आमीन, उन सारे विचारों को छोड़ दो जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो क्या बन जाते हैं, वो तेरे लिए एक बंधन और वो तेरे लिए एक बोझ बन जाते हैं, आमीन। तो वो घमंड हटाना है। एक और बार कोशिश कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ आपके जहन, मैं क्यों आपसे बार बार करा रहा हूँ बताए, क्योंकि आपको ना जब अगली बार शैतान आएगा ना कराने, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, आपके हाथ अपने आप ऐसे हो जाएंगे। हालेलुया, आपको समझ आ जाएगा शैतान के पास और कोई हथियार नहीं है। चलो एक और बार, पहला शरीर की अभिलाषा, दूसरा आंखों की अभिलाषा, तीसरा जीवन का घमंड। वंडरफुल, याद हो गया है, बच्चों के नाम भूल जाओ लेकिन ये वाला मत भूलना। हालेलुया, आमीन। चलो अब जो टेक्स्ट पढ़ा है उसको वापस पढ़े, अब देखना पड़ेगा ना कि यही हथियार अपनाया है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग, नैन्सी कैन वी हैव दैट प्लीज वर्स, ठीक है। अब देखना, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर क्या किया, खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। समझ आया कि भी समझाना पड़ेगा, एक और बार पढ़े समझ आ जाएगा, जहन में घुस जाना चाहिए। हालेलुया, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि के लिए चाहने योग्य, तो उसने उठा के क्या करा, खाया और फिर पति को दिया और फिर दोनों ने मिलकर क्या किया, खा लिया और पाप कर लिया। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं, आमीन। पहला, जब औरत ने देखा वो फल खाने के लिए अच्छा है तो वो क्या बन गया, शरीर का अभिलाषा, आमीन। उसने फिर कहा, आंखों से देखकर जब उसने देखा तो वो क्या बन गया, आंख की अभिलाषा, और उसने कहा ये बुद्धि के लिए बढ़िया है, आमीन, तो वो क्या बन गया, जीवन का घमंड बन गया। ये तीन तरीके से उसने किसको गिरा दिया, उसने हव्वा और फिर आदम को गिरा दिया। यही हथकंडा उसने किसके साथ और अपनाया था पता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, किसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ। अगर पहले आदम के साथ उसने पुराने नियम में किया, तो नए आदम के साथ उसने नए नियम में करने के लिए भी कौन आया, जब यीशु, आमीन, कमजोर था, शारीरिक रूप में कमजोर था, क्योंकि 40 दिन उसने खाना, फुल फास्टिंग में थे, आमीन, कुछ खाया नहीं, शायद कुछ पिया भी नहीं होगा, आमीन, तो कमजोर शारीरिक शरीर में आने वाले उस यीशु के सामने कौन पहुंचा पता है आपको, शैतान पहुंचा, आमीन। और जब शैतान पहुंचा, आमीन, तो शैतान ने यीशु को देखकर तीन चीजें किया। हालेलुया, एग्जैक्टली वही चीज जो उसने हव्वा और आदम के साथ किया, लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आई, लस्ट ऑफ, आमीन, उसके बुद्धि के साथ खेलने की शुरू, तीन उसने कार्यों को किया। पहला कार्य क्या था, बोला रोटी को क्या, पत्थर को क्या बोला, रोटी बना दे। दूसरा क्या बोला, कूचा। और तीसरा बोला, जो कुछ देखता है वो सब कुछ मैं तुझे, आमीन। जब बोला रोटी खा ले तो वो क्या बन गया, फ्लैश बन गया, आमीन, लस्ट ऑफ द फ्लैश, अभिलाषा, आमीन। जब बोला लस्ट ऑफ द आइज, ये सब कुछ देख ले, ये सब कुछ मैं तुझे देने जा रहा हूं, वो कौन सी अभिलाषा बन गई, आंखों की अभिलाषा, आमीन। जब बोला तू कूचा, घमंड में बोला तू कूचा, अगर तेरा परमेश्वर है तो क्या करेगा, तुझे आके बचाएगा। तीनों का तीनों कार्य क्या किया, शैतान ने नए आदम यीशु मसीह के साथ किया। लेकिन बाइबल बताती है उसके हर दाव के लिए खुदा के पास धार्मिकता का एक उत्तर था। हालेलुया, जब वो आता है और वो कहता है कि फ्लैश, वो कहता है कि आमीन, इसे बना दे पत्थर को, परमेश्वर कहता है इंसान, आमीन, सिर्फ रोटी से नहीं जीता लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है। लस्ट ऑफ द फ्लैश, घमंड की बात आई तो परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, अपने पिता को क्या ना करो, टेस्ट मत करो। यीशु के पास हर चीज का आंसर था। हालेलुया, शैतान को लगा क्या पता है, पहले आदम को गिरा दिया तो दूसरे आदम को भी गिरा देंगे, उसे पता नहीं था ये ब्रीड अलग है। हालेलुया, इसके रगों के अंदर दौड़ने वाला आदम का खून नहीं है, इसके रगों के अंदर दौड़ने वाला पवित्र आत्मा का, आमीन, लहू है। उसे नहीं पता था ये स्वर्ग से आने वाला ताकत है,
इसे गिराया नहीं जा सकता है। अब आप मुझे बताइए, अगर पहले आदम के साथ हुआ और उसके बाद दूसरे आदम यीशु मसीह के साथ हुआ, तो क्या आपके और मेरे साथ नहीं हो सकता? हालेलुया। बार बार हमारे साथ वो यही हथकंडा अपनाता है, या तो शरीर की अभिलाषाओं में गिरा देगा, नहीं तो आंखों की अभिलाषा में गिरा देगा, नहीं तो हमारे अंदर घमंड आ जाएगा। हालेलुया। ये तीन के अलावा उसके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, यही है उसका हथकंडा। कुछ घरों में वो घमंड ले आएगा। आपको क्यों लगता है पति पत्नी परिवारों के अंदर दिक्कत क्यों होती है? घमंड। हालेलुया। घमंड, कोई एक के सामने दूसरा व्यक्ति झुकना नहीं चाहता है, घमंड। आमीन। कुछ परिवारों में क्या करता है, अभिलाषाएं ले आता है रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। आमीन। क्या करता है, या आमीन, कुछ अभिलाषा, वो अभिलाषाएं जो हमारे लिए शायद बनी, हम कभी कभी चीजें भी वो खरीदते जो दूसरों को अच्छी लगे, वो नहीं जो हमें अच्छी लगे। दूसरों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अभिलाषाओं में चले जाकर हम चीजें खरीद लेते और फिर वो बाद में हमारे लिए दिक्कत बनता है। हालेलुया। और तीसरा, आमीन, आंख। इसे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। हालेलुया। सबसे ज्यादा गिरने वाले लोग इसी में गिरते, आंख। हालेलुया। जैसे जुबान में ताकत है, वैसे तेरे आंख में ताकत है। हालेलुया। आमीन। आंख तेरे को सही दिशा दे सकता है, आमीन, या आंख तेरे को गलत दिशा में लेकर जा सकता है। आंख, देखिए, एक ही फोन को आप दो तरीके से देख सकते हैं। हेलो, देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? एक ही फोन को आप दो तरीके, एक ही इंटरनेट को आप दो तरीके से देख सकते हो, एक औरत को आप दो तरीके से देख सकते हो, एक मर्द को आप दो तरीके से देख सकते हो, एक कलीसिया को दो तरीके से देख सकते हो, एक कमजोर व्यक्ति को दो तरीके से देख सकते हो। सब चीज के दो नजरिया है, तीन नहीं है, एक नहीं है। सब चीज का दो नजरिया तेरे सोच पे निर्भर करता, तेरे आंख पे निर्भर करता है कि तू किस तरीके से कार्य करेगा। Praise the Lord, hallelujah. Praise Jesus, hallelujah. Amen. कितने लोगों को समझ आ रहा है? Hallelujah. अगर आपके अंदर घमंड है, आज टूट जाए। मेरे को देखने से आपका घमंड नहीं जाएगा। हालेलुया। अगर हमारे अंदर, हमारा काम प्रचार करके सुनकर यहां से जाना नहीं है, अगर एक अंश हमारे अंदर घमंड है तो घमंड टूट के निकल जाए। प्रेज द लॉर्ड। वो घमंड टूट के निकल जाए। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है वो परमेश्वर उठाता भी उसको है जो उसके सामने नम्र होता है। परमेश्वर कार्य भी उसके लिए करता है जो नम्र होता है। परमेश्वर कार्य भी उसके लिए करता है जिसका भरोसा परमेश्वर पे होता है। आमीन। आज अगर किसी भी प्रकार का घमंड है तो वो किसके सामने टूटना चाहिए? परमेश्वर। अगर नौकरी का घमंड है, आज टूट जाए। हालेलुया। घर का घमंड है, आज टूट जाए। मेरे हाथों में हुनर है, आज टूट जाए। आमीन। घमंड सारा आज ईश्वर के नाम से निकल जाना चाहिए। हालेलुया। आप कितने लोगों को समझ आ रहा है? आमीन। चलो आपको एक जबरदस्त चीज सुनाता हूं। आमीन। आजकल सब लोग बोलते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो। दुनिया बताए हमें क्या सिखाती है? यू कैन डू ऑल थिंग। दुनिया बोलती है यू कैन डू ऑल थिंग, आप सब कुछ कर सकते हो। यूट्यूब पे आप जाओगे, सबसे ज्यादा वीडियोस आजकल इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है। आई मीन, उसके हैशटैग भी डाल दोगे ना, सब मोटिवेशनल है। अभी हम जिम में भी जाते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, सारे मोटिवेशन वाली चीजें सुनते हैं। हालेलुया। है ना, वो वीडियोस भी होते हैं ना जिसमें लिखा होता है सुबह सुबह उठोगे तो इसे सुनो, आपका दिन बदल जाएगा। हालेलुया। आमीन। तो लोग उसे चला के भी सुनते रहते हैं। अलग ही मोटिवेशन क्या है, बस अभी दुनिया हिला देंगे करके। क्या है, थोड़ा मोटिवेशन हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि दुनिया बोलती है एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, तुम्हारे लिए सब कुछ पॉसिबल है। बट बाइबल डजंट टीच यू दैट। परमेश्वर का वचन आपको यह सिखाता नहीं है। जो कुछ दुनिया सिखा रही है उसका विपरीत है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन ये, क्योंकि आपको क्या लगता है ये मोटिवेशन आपको और मोटिवेट कर देगा? ये क्या, ये मोटिवेशन चंद मिनटों का है। हालेलुया। ये YouTube के वीडियोस चंद मिनटों के हैं हमारे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो हमें बदल नहीं सकता है। वो हमें जोश दे सकता है लेकिन वो हमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है। वो हमें मोटिवेट कर सकता है पर वो हमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है। वो हमें इंस्पायर कर सकता है पर वो हमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है। ट्रांसफॉर्म क्या चीज करती है आपको पता है? 66 किताबों वाला आमीन। पिछले 6000 साल से आमीन, स्पेसिफिकली पिछले 2000 साल से दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया, दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का जीवन बदलने वाला एक लौटा चीज ये है, और ये चीज बाइबल है।
हालेलुया, आमेन। लोग ऐसे बोलते हैं ना, इस बाबा के पास चले जाओ और इस ब्रदर के पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसा कोई दिन ना आए कि जहाँ पे लोग इंसानों से मिलने के लिए आईसीएम में आए, क्योंकि हम आज भी ये प्रचार करते हैं, ये 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 बदल सकता है। क्या बदल सकता है? ये बदल सकता है। दिस इज व्हाट चेंजेस एवरीथिंग। हालेलुया। लोग बोलते हैं ना, आमीन, इधर चले जाओ, ये लगा लो, वो लगा लो, ऐसे कर लो। मैं आपको बोल रहा हूं, आमीन, जब तक दम है धंधा नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक ही काम करेंगे और वो खुदा का कलाम का प्रचार होगा। धंधा करके कमाने की जरूरत नहीं है हमें। प्रेज द लॉर्ड। इसका प्रचार करके, किसी को सुसमाचार बांट के, खुदा में ट्रांसफॉर्म करने के लिए खुदा ने हमें बुलाया। हालेलुया। पूरी दुनिया आजकल सिर्फ यही बात करती है, बाहर से कैसे बदलना है। मैं चाहता हूं आप इस आईसीएम में आ रहे हैं तो ये सीखिए अंदर से कैसे बदलना है। हालेलुया। दुनिया के पास बहुत सारे हथकंडे हैं, बाहर से कैसे बदलना है। बाहर का शरीर आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है, लेकिन उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पास एक और जीवन नहीं है, आई मीन इट इज सच अ फूलिश थिंग, क्योंकि इसके बाद एक जीवन है, बाइबल बताती है। आमीन। और वो जीवन निर्णय करेगा, वो अनंत काल का जीवन है। आमीन। दुनिया पता है क्या बोलती है? आमीन, आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल, आप कुछ भी कर, है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नेवर गिव अप, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बाइबल सीधा उल्टा है, बाइबल कहता है तेरे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आमीन। लेकिन बाइबल उसे थोड़ा और मॉडिफाई करता है। आमीन। आपको पता है कि नहीं है? आमीन। आमीन। फिलिप्पियों 4 उसका 13वां वाक्य, आमीन, आपने कभी पढ़ा होगा फिलिप्पियों 4 उसका 13वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, आमीन, आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अपने दम में नहीं, मेरे अंदर वास करने वाले क्रिस्त यीशु के दम में मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आमीन। दुनिया कहती है तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है यस तू कर सकता है, पर मेरे द्वारा तू सब कुछ कर सकता है। आपको पता ये किसने लिखा? आपको पता किसने ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा? कैन यू डू यू नो इट? कौन है ये? प्रेरित पौलुस ने ये लिखा। कौन है प्रेरित पौलुस? आपको बताया, उस जमाने का सबसे पढ़ा लिखा, उस जमाने का सबसे पैसे वाले लोगों में से एक व्यक्ति, उस जमाने का सबसे बड़े अधिकारियों में से एक व्यक्ति। आमीन। जितने जगहों में उसने प्रचार किया, शायद किसी और ने कभी जिंदगी में उस जमाने में नहीं किया होगा, लेकिन तब भी ये व्यक्ति आकर ये नहीं कह रहा है घमंड में कि मैं कुछ कर सकता हूं, वो ये कह रहा है मैं कर सकता हूं किसके वजह से? जिंदा खुदावंद यीशु के वजह से, जो मेरे अंदर क्या कर रहा है। क्या कोई आज यहां पे है जो कह सकता है मेरे अंदर यीशु है और उस ताकत से मैं बहुत कुछ कर सकता हूं? आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथेंस मी। आई मीन, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और कभी कभी प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा होते हैं ना कि हम हार मान जाते हैं। पैनिक सिचुएशन आपको आया नथानिल जी, जब संध्या को आपने उस हालत में हॉस्पिटल में देखा, आपको आया? हालेलुया, हालेलुया। पैनिक हुए थे कि नहीं हुए थे? हालत खराब थी आपकी। कभी भी याद है जब पहली दिन वो हॉस्पिटल में थी और मैं जब नथानिल को देखने गया तो संध्या को लिटरली अपने आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। मैं आपको बताऊं, आईसीएम ऐसी जगह नहीं है जहां पे चंगाई और चीजें होती नहीं है। इतनी चंगाई है इस कलीसिया में और ऑनलाइन और ऑफलाइन। बस हम ये हैं, हम ना पब्लिसिटी नहीं करते और हमें करने की जरूरत भी नहीं है। हालेलुया, आमीन। और मेरे को अभी भी याद है वो हॉस्पिटल में जब पहले दिन पड़ी हुई थी, आमीन, उसको आंख में दिखता नहीं था। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? आमीन। आप उसको देखेंगे ना, मेरे फादर जब उससे पहली बार मिलने गए, मेरे फादर रोने लग गए थे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और मैं देखा नथानियल को कि वो कितना परेशान थे, तो एग्जैक्टली उसके उस संडे नथानियल यहाँ पे आया चर्च में और संध्या हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है कि उसकी खुद की इकलौती पत्नी मैं इकलौती इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के दो दो है, तो इसके लिए आमीन, इकलौती, जोर से बोलो ये सब चीजें, हालेलुया सब, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये पहले क्लियर कर दो तो बढ़िया हो जाता है। हालेलुया। टेस्टिमनी बोला तो सही टेस्टिमनी होना है उसकी इकलौती पत्नी हॉस्पिटल में पड़ी है, कंडीशन बहुत खराब है,
और आप विश्वास नहीं करोगे, वो हॉस्पिटल में पड़ी है बट वो चर्च में अशरिंग कर रहा है। उन्होंने मुझे एक बार भी ये नहीं बोला कि पास्टर वाइफ ना पड़ी हुई है कोई देखने के लिए, एक्चुअली कोई देखने के लिए भी नहीं था, आई मीन। लेकिन उसने एक बार भी आके मुझे ये नहीं बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है पास्टर, मैं ना अशरिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं ना चर्च की चीजें संभाल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में पड़ी है, आई मीन। उस शाम को भी वो आया, उसको जो काम नथानिल जी करते वो सारे काम को उन्होंने उस दिन क्या किया बताया, कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद आराधना हुआ, आराधना के बाद, और उस दिन शायद वो उस दिन आराधना एकदम ध्यान से ये सारा वचन को सुन रहे थे, आमीन। और सुनने के बाद जब सब खत्म हुआ, प्रेज लॉर्ड, मैंने नथानिल को बोला भी कि वो शायद बहुत दिनों बाद आपने, मैंने आपको इतना बढ़िया आराधना करते हुए देखा है, प्रेज लॉर्ड। और फिर नथानिल जब सब खत्म हुआ तो हमारी टीम खड़ी थी, आमीन। और नथानिल बड़ा स्ट्रांग व्यक्ति है। मेरे लाइफ में जब लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम 2020 में आया था, मेरे को आज भी याद है कि उस दिन मैं नथानिल के सामने खड़ा था और बोलते बोलते मेरे आंसू निकल गए थे, आमीन। और नथानिल ने मेरा हाथ पकड़ा था और बोला, पास्टर आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ खड़े हैं, आमीन। मेरे को आज भी याद है एग्जैक्टली जहाँ एबी बैठा है उसके बिल्कुल थोड़े आगे, आमीन, वो मेरे साथ खड़ा हुआ और मेरी मिसेस बगल में थी और उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने बोला, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आप, हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने उस दिन नथानिल के लिए ऐसे बोला, मैंने कहा मैं भी प्रेयर करता हूँ किसी दिन हमें भी हम पास्टर की फैमिली को भी कभी मौका मिले कि हम आपके साथ खड़े हो सके। उस दिन नथानिल जब यहाँ पे खड़ा हुआ था, एग्जैक्टली जब मनु बैठी हुई है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, वहाँ पे नथानिल खड़ा है और हम लोग सब खड़े हुए हैं, मैं था, आमीन, हमारे टीम के कैमरामैन, वो वर्शिप वाले सब लोग खड़े हुए थे, आमीन। और उसकी बीवी को दिखता नहीं था, हमने उस दिन हम लोग एक साथ खड़े हुए और मैं देख रहा था उस दुआ में नथानिल फूट फूट के रो रहा था, आई मीन वो घुटने पे आगे हम सब खड़े थे, he was kneeling down और वो फूट फूट के रो रहा था, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आपकी कमजोरी को देख कर ना, आई मीन, ठट्टा करने के लिए खड़े हुए कि तेरे घर में ये हुआ है, आई मीन, पीछे। लेकिन मैं तुझे बोल रहा हूं, मैं कुछ लोगों के लिए बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, आपको पता क्यों है? जैसे परमेश्वर ने शैतान को देख के बोला, आयुब से मिला, धर्मी है, कुछ कमी है, मैं भी कुछ लोगों के लिए बड़ा कॉन्फिडेंट रहता हूं, मुझे पता है प्रार्थना करने वाला कौन है, मुझे पता नम्र कौन है खुदा के सामने। उस दिन उसने घुटना टेका, उसने आंसू बहाए, आपको पता है नेक्स्ट डे क्या हुआ? आई मीन नथानिल ऑफिस गया, बाइक चलाते हुए रेड लाइट पे बैठकर वो दुआ करने लगा अपनी वाइफ के लिए। 10 मिनट बाद उसकी वाइफ का फोन आया कि परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया पता है, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। और आज संध्या यहां पे, प्रेज द लॉर्ड, आप जरा उसकी आंखों को देखिए, उसके शरीर को देखिए, आमीन, 10 बार उसके सामने हाथ रखिए, परमेश्वर ने उसे ठीक किया, आमीन। डॉक्टर्स ने कहा महीने लग जाएंगे, डॉक्टर्स ने कहा नर्व्स में प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स ने बोला इतने पैसे लग जाएंगे, लेकिन आज मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, आमीन, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो जिंदा खुदा है, आमीन। मेरा परमेश्वर जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, I can do all things through Jesus Christ who strengthens me। क्या कोई है जो कह सकता है मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूं, मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूं, मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमने भी दुनिया से भी बढ़कर कई कठिनाइयों से हम भी गुजरे। ऐसा नहीं है हम सुइसाइड नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं है हम हार नहीं मान सकते थे, ऐसा नहीं है हम, ऐसे भी मोमेंट्स आए होंगे हमारे लाइफ में जहां पे सवाल उठे होंगे कि अब प्रेयर करके क्या फायदा, सवाल अनेक आएंगे। लेकिन आपने नोटिस किया उस सारे मोमेंट में मानो कोई है आपके साथ, है ना? और आप अभी भी यही सोच रहे कि आपकी प्रार्थना और मेरे वजह से नहीं, there was somebody, कोई तो था वहां पे, प्रेज द लॉर्ड, जो क्या कर रहा है, आपके साथ खड़ा हुआ है। आमीन, आमीन। आप गिर सकते थे, आप हार सकते थे, आप बर्बाद हो सकते थे, आप गिव अप कर सकते थे, आप कर्ज में जा सकते थे, लेकिन आज भी आप आज यहाँ क्यों खड़े आपको पता है? आज भी आप यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि क्रिस्त यीशु, आमीन, तेरे साथ खड़ा था और वो ना चाहकर भी तेरे अंदर एक बल को दे रहा था, एक ताकत को दे रहा था, एक सामर्थ को दे रहा था, एक स्ट्रेंथ को दे रहा था, आमीन।
तू बेड में पड़ा हुआ है लेकिन तू हार नहीं माना क्योंकि उस बेड में यीशु था। आमीन। तू चेयर में बैठा हुआ है तू हार नहीं माना क्योंकि उस चेयर में यीशु था। तेरे कर्जों में तू डूबा नहीं क्योंकि उस कर्जों में भी कौन था? यीशु था। There was Jesus that was there beside you. आप अकेले पड़ गए, आपकी फैमिली आपको छोड़ के चली गई, कुछ बहनों को डिवोर्स मिल गया, कुछ ब्रदर्स की फाइव्स छोड़ के चली गई, लेकिन आज भी आपके टिके। आपको पता है, आपको लगा शायद चर्च ने आपकी मदद की है या किसी इंसान ने आपको, नहीं। धन्यवाद उन लोगों का जो आपके तरफ काइंड है, लेकिन उन्हें काइंड किसने बनाया पता है? यीशु ने। तू कुछ जगहों में गया और लोगों ने तेरे को सम्मान दिया, यीशु को धन्यवाद कर रहा। हालेलुया। कुछ जगहों में तेरे लिए रास्ते खुले, यीशु को धन्यवाद कर रहा। आमीन। कल तक जो बंद थे आज खुल गए, यीशु को धन्यवाद करना। पौलुस कहता है मेरे को इतना कुछ मिला है लेकिन मैं धन्यवाद किसको करूंगा? यीशु को। 40-30 से 40 फीट उस कुएं के अंदर, मृत्यु के भीतर, आमीन, उस मेन्योर और उस टॉयलेट के अंदर, आमीन, मृत्यु का इंतजार करने वाला कहता है अभी भी मेरा सेवकाई खत्म नहीं हुआ, अभी भी अगर एक मौका मिलेगा फिलिपी की कलीसिया तो मैं यीशु में बहुत कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथेंस मी। हालेलुया। ये उस इंसान ने नहीं लिखा जो जेल के बाहर था, ये उस इंसान ने लिखा है जो जेल के अंदर था। देखना, जेल के अंदर आखिरी मोमेंट में, जैसे आज भी मसीह लोगों के साथ प्रसिक्यूशन होता है, उस जमाने में भी हुआ, लेकिन देखना जरा आज 2000 साल बाद, आमीन, यीशु का कोई नाम नहीं मिटा है। क्यों? क्योंकि यीशु जिंदा है और जिंदा व्यक्ति को आप खत्म नहीं कर सकते, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब ये तीन तरीके हैं जिससे शैतान हमें क्या करता है, गिराता है। अब ये तीन तरीके से हमारे जीवन में क्या लाना चाहते हैं, ये क्यों हमारे जीवन में लस्ट ऑफ फ्लैश, लस्ट ऑफ आइस और प्राइड ऑफ लाइफ क्यों लेके आना चाहते हैं? पहला, वो हमारे जीवन में शेम लेकर आना चाहता है, शर्म, हमें झुकाना चाहता है। किसी को देख के बोलिए झुकाना चाहता है ना, किसी को देख के बोलिए झुकाना चाहता है। वो आपके जीवन में, उसको ना मजा पता कब आता है, जब आपका सर झुक जाएगा, जब आपकी नौकरी चली जाती है, जब आपके घर में स्ट्रगल आते हैं, जब आप इश्यूज से गुजरते हैं ना, तो हमारा कभी कभी सर क्या हो जाता है, हाँ, सर झुक जाता है। और ये कौन करता है बताए? शैतान। उसको मजा आता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग आके आपसे आप ही के बच्चे के बारे में सवाल पूछ रहे होंगे, आपके पति के बारे में पूछ रहे होंगे, आपकी पत्नी के बारे में पूछेंगे, और फिर क्या होता है पता है, हमारा कर सर कभी कभी हम छुपाने के लिए कभी कभी क्या करते, कुछ और बात बता देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा सर क्या है, झुका हुआ है। और ये किसका काम है आपको पता है? हमारे अंदर शेम लेकर आता है। क्या लेके आता है? शेम। उसे पसंद नहीं है जब आपको क्या करे, आप बढ़ते हो ना, वो नफरत करता है, नफरत करता है। तो इसके लिए आपके बिजनेस में आपको लॉस दिलाता है, क्योंकि उसको मजा आता है जब आपका सर झुक जाता है, उसको मजा आता है जब किसी बच्चे के साथ गलत कर दिया जाए, उसको बड़ा मजा आता है, ही लव्स इट। वो कहता है ओह तेरा सर झुका दिया, सर झुका दिया, बड़ा मजा आता है। लोग, मैं हमेशा बोलता हूं, लोग धर्म 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 कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, मुसलमान, अरे कोई नहीं है। हालेलुया। एक तरफ अच्छाई है और दूसरी तरफ बुराई है। हालेलुया। और शैतान धर्म के हिसाब से लोगों को परेशान नहीं कर रहा, शैतान परमेश्वर के बेटों को और बेटियों को क्या कर रहा है पता है? परेशान कर रहा है। और मजा उसे तब आता है जब तेरे प्लान्स चौपट हो जाए और तेरा सर झुक जाए। उसे मजा तब आता है जब तेरा मुंह बंद हो जाए। उसे मजा तब आता है, आमीन, जब तेरा सर झुक जाए और तेरे पास जवाब नहीं है। चार जने जब तेरा मजाक उड़ाए, उसे मजा आ जाता है। तेरे फाइनेंसेस नीचे कर दिए, उसे मजा आ गया है। He loves it कि उसने आपको क्या कर दिया है, नीचे कर दिया है।
आप जरा सोचिए, पिछले सालों में कितनी बार शैतान ने आपका सर झुकाया होगा, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। जवाब नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, तो उसने क्या कर दिया, शर्म से हमारा सर झुका दिया, शेम। उसका काम है शेम लाना, वो उसका हथकंडा है, वो उसका हथियार है आपका सर झुकाना। आज सारे शेम को आज इस कलीसिया में छोड़ के जाना, हालेलुया, क्योंकि तू वो नहीं है जो शैतान कहता तू है, तू वो है जो परमेश्वर कहता तू है, हालेलुया। वो सारा शर्म आज यीशु के नाम से परमेश्वर हटाएगा, आमीन। देखना जरा, आदम और हव्वा ने क्या खा लिया, फल तोड़ा, हव्वा ने खाया और फिर बोला तू भी खा, है ना, तो उसने बोला ठीक है, दोनों ने खा लिया। जैसे ही उन्होंने खा लिया ना, पता उन्हें क्या महसूस हुआ, कि वो नंगे है। क्या है, नंगे। आपको पता है, अगर आदम और हव्वा पाप नहीं करते तो हम सब आज नंगे भी होते और हमें शर्म भी नहीं होती। जितने भी कपड़े वाले दुकान है ना, सब बंद होता, Amazon क्या करता उसे भी नहीं पता, मिंत्रा बंद होता, Amazon बंद होता, H&M बंद होता, Calvin Klein बंद होता, घड़ियां बंद हो जाती, जूते बंद हो जाते, सब बंद होता। परमेश्वर ने सबको खूबसूरत बनाया, आई हैव क्रिएटेड यू मार्वेलसली एंड ब्यूटीफुली, परमेश्वर ने सबको सुंदर बनाया था, और सिर्फ सुंदर बनाया नहीं, सबकी आंखें भी सुंदर बनाई थी। कभी को है ना, आज नंगापन देख के हम लोग क्या है, फोन में फालतू फालतू नंगा 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 चीज देखते देखते कि नहीं देखते करके, कितनी बार देखते, स्क्रोल मार मार के देखते हैं। आजकल एक से मजा नहीं आ रहा तो दूसरा वाला देख रहे हैं। आज दुनिया सब नंगा ही चल रहा है, हालेलुया, जितना नंगा उतना बिकेगा, हालेलुया, आमीन। कुछ दिन बाद तो प्रोडक्ट का नाम भी नंगा कर देंगे, रखेंगे ही नंगा, आमीन। उन्होंने जैसे ही पाप किया, उनको पहला चीज क्या पता लगा, नंगे है वो, शर्म आ गई उनके अंदर, शेम आ गया उनके अंदर। तो उन्होंने जब शेम आ गया, पता उन्होंने क्या किया, जब शेम आया तब उन्होंने वो बड़े घबरा गए, तो हव्वा बिल्कुल, हव्वा भी शर्मा गई और आदम भी। लेकिन आदम, आप जरा एक्सपीरियंस, जैसे ही उसने पाप किया, आदम ने हव्वा को देख के बोला होगा ना, ओह माय गॉड डूड व्हाट इज दिस, है ना। उतनी देर वो नंगी थी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उतनी देर वो नंगा था उसे कोई, जैसे ही पाप किया क्या हुआ, नंगापन दिख गया। और अब जब हम नंगे होते हैं ना, मुझे आपका तो नहीं पता, तो मतलब मान लो कि कभी वस्त्र अगर हमारे किसी ने उठा लिए, हम कहीं पे गए या कुछ, क्या होगा, शर्म भी नहीं बेटा, हमारे सारे कमर वमर सब एक तरीके से हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा कि नहीं, तुम लोग क्या ऐसे खुल के जाओगे, नो ब्रो, यो नो ब्रो, अल्लाह है नहीं, क्या होगा, शर्म, पाप ना यही करता है, हमारी चाल को बदल देगा, हमारे शोल्डर्स को बदल देगा, हमारे तौर तरीकों को बदल देगा, हालेलुया। पाप ने वो जो यीशु के सामने जैसे वो खड़े होते थे ना, उस तरीके को भी क्या कर दिया, उन्होंने बदल दिया। तो अब नंगे तो है, अब कपड़े चाहिए ने? क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, भाई अब कपड़ा बनाने इन्हें आता नहीं था, तो हव्वा ने आदम को बोला होगा, भाई कहीं से तो कुछ ले आओ, आमीन। तो आदम भी गया, आदम ने कहा चलो भाई देखते हैं, तो उसने क्या किया, बढ़िया बढ़िया जितने भी पेड़ है सारे देखे। अब उसको लगा कि भाई थोड़ा बड़ा पत्ता अपने को चाहिए होगा, थोड़ा बड़ा वाला पत्ता चाहिए होगा, पूरा कवर भी तो करना है बॉडी ना, तो फिर कौन सा वाला पेड़ ढूंढ के लाया, भाई साहब फिग, देखा, बोलिए बोलिए, सिन मेक्स यू स्टूपिड, एक और बार ट्राई करें, सिन मेक्स यू स्टूपिड, पाप आपको बेवकूफ बनाएगा। देखना, इसने बोला मैं नंगी हूं तो कपड़े ले आ, अब आदम गया होगा भाई, हव्वा को बोला होगा तू पहले छुप, आमीन, और फिर गया होगा क्या लेने के लिए, कपड़े लेने, कौन सा पेड़ मिला उसे, है फिग ट्री, अंजीर का पेड़ मिल गया, बढ़िया सुंदर पत्ते अंजीर के, उसने कहा लो भैया ये वाला लेते, उसने उसे उठा लिया उसे, और उठा के किसको दिया, बोला तू ले बहन, तू रख ले पहले वाला,
है ना, रिस्पेक्ट। फिर दूसरा उसने क्या किया होगा, अपने लिए लिया होगा। पर जैसे ही इसने ये पहना, नग्नता से हटने की जगह ये लोग क्या करने लग गए, खुजली। नहीं समझ आया क्या करने लगे? कभी भी जिंदगी में अंजीर का पेड़ शरीर पे मत लगाना, क्योंकि वो खुजली देता है। मैंने आपको बोला ना, पाप आपको स्टुपिड बनाएगा। देखना जरा, पत्ते लेने गया था, इतने पत्ते थे, लेकिन लिया भी कौन सा, अंजीर वाला, वो वाला लगाया। अब पहनने की जगह क्या कर रहे हैं, हेलो क्या कर रहे हैं, आमीन, खुजली। समझ आ रहा है? कभी कभी पाप हमसे वो काम कराएगा जो हम कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते। हालेलुया। अभी ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा, इतना दिमाग इनके पास अभी है नहीं, क्योंकि जो कुछ था अब निकल गया है ना दिमाग, खुजली कर रहे हैं। मेरे को ऐसे लग रहा है जब पिता परमेश्वर आया होगा ना, आमीन, वहां से बोल रहा होगा आदम, है ना, और हवा का नाम तब हवा नहीं पड़ा था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा उसके बारे में। आमीन, तो जो भी बुलाया, आदम और उसकी बीवी को बुलाया होगा आओ करके, आमीन। और ये जब आया होगा तो परमेश्वर ने उनके अंदर सबसे पहले क्या देखा होगा पता है, पत्तों से भी पहले क्या देखा होगा पता है, भाई तुम खुजली क्यों कर रहे हो यार, तुम खुजली क्यों कर रहे हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम में से भी कई लोगों को जब यीशु ने पहली बार बुलाया ना, हम खुजली करते हुए परमेश्वर के पास गए थे। हालेलुया, कई सारी खुजलियां हमारे अंदर भी थी, और खुदा का धन्यवाद हो, यीशु ने हमारे सारे खुजलियों को क्या कर दिया है, हमें उसने निकाल दिया है। हम भी अपने बड़े सारे दिमाग लगा के आए थे, लेकिन जितना दिमाग लगाया वो सारे अंजीर के पत्ते थे। जितना लगाया उतना दिक्कत शुरू हो गया, जहां जहां गए उतना दिक्कत शुरू हो गया, जहां जहां माथा टेका उतना दिक्कत शुरू हो गया, जहां जहां पैसे लिए उतना दिक्कत शुरू हो गया, लेकिन आखिरी में बुलाने के लिए तेरे पास कौन आया, यहोवा तेरे पास आया, और तुझे नाम लेके उसने बुला के कहा, आदम हुआ मेरे पास आ। आज आप यहां पे आए नहीं हो सर, कहीं पे खुजला रहे थे, तो खुदा आया तेरे पास और बोला परेशान है, उत्तर मैं दूंगा तुझे। हालेलुया, मुझे परमेश्वर का ना, जितना मैंने बाइबल पढ़ा है, मुझे परमेश्वर का ये वाला भाग बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने इतना बड़ा पाप किया, परमेश्वर ने आके पहले उन्हें डांटा नहीं, पहले उन्हें समाधान दिया। हालेलुया, हम में से कुछ लोग पता है पहले डांटते हैं और फिर बाद में समाधान भी नहीं देते। हालेलुया, क्योंकि हमारे पास है नहीं दूसरों को क्या देंगे। हालेलुया, परमेश्वर उनके पास आए और परमेश्वर ने कहा तुम नंगे हो, माय गॉड, खुजला रहे हो, मैं मेरा ये सोच है, परेशान हूं। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने बोला तुमने अपना किया, अब मैं अपना करके दिखाता हूं। तुमने अपना किया, अब मैं तुम्हें, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, अपना करके दिखाता हूं। और फिर वो लोग गए और परमेश्वर ने बोला कि यार इनके लिए क्या बनाना पड़ेगा, इनके लिए क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, हेलो क्या बनाना पड़ेगा, कपड़े, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर ने फिर क्या किया आपको पता है, परमेश्वर ने एक मेमने को, एक छोटे से मेमने को क्या किया, परमेश्वर ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद क्या किया पता है, आमीन। जब आप शैतान को देखते हैं ना, शैतान का वर्णन बार बार किसके साथ किया जाता है, सांप के साथ, किसके साथ, सांप के साथ, आमीन। बाइबल में अधिकतर बार शैतान का वर्णन सांप के साथ तुलना किया है, लेकिन जब भी बाइबल में यीशु का तुलना किया जाता है ना, वो किसके साथ किया जाता है, मेमने। पिता परमेश्वर को पता लगा इनके पास कपड़े नहीं है, तो पिता परमेश्वर ने क्या किया पता है, गया और पिता परमेश्वर ने कहा नाउ मुझे एक मेमना लेने ले, और फिर वो मेमने को परमेश्वर को पकड़ने की भी जरूरत नहीं थी, परमेश्वर ने पहले मेमने को बोल के रखा था, आमीन, तुझे बना रहा हूं क्योंकि एक दिन ये पाप करने वाले है, आमीन। तो और मेमने को पकड़ कर परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, आमीन, उसे खत्म कर दिया, उसके लहू बहे हुए लहू को, आमीन, बहाने के बाद उसके चमड़े को उधेड़ कर, आमीन, उससे परमेश्वर ने क्या बनाया पता है,
है मनुष्य के लिए पहली बार आमीन वस्त्र बनाया, आमीन उसके अंजीर के पेड़ों को और उसके अंजीर के पत्तों को हटाकर और उस जकड़ को निकालकर परमेश्वर ने कहा आमीन मेमने का कपड़ा आमीन तेरे बाहर के नंगेपन को क्या करने वाला है, आमीन हटाने वाला है, आमीन परमेश्वर और कोई भी जानवर ले सकता था लेकिन खुदा ने लिया कौन सा, मेमना लिया, क्योंकि मेमना किसे दर्शाता है, यीशु को दर्शाता है। आमीन 6000 साल पहले जब आदम ने पाप किया आमीन परमेश्वर ने एक मेमना काटा आमीन और आदम और हव्वा के बाहर के नंगेपन को परमेश्वर ने अगर छुपाया तो 4000 साल बाद कहने का मतलब 2022 साल पहले आमीन स्वर्ग में एक बातचीत में खुदा ने यीशु की ओर देखकर कहा अब बाहर के नंगेपन का समय खत्म, अब अंदर के नंगेपन को हटाने के लिए यीशु तुझे मेमना बनके तुझे नीचे जाना पड़ेगा, यू नीड टू गो डाउन, तुझे मरना पड़ेगा। आमीन 2022 साल पहले कालवरी के क्रूस में यीशु ने बाहें खोलकर अपने चमेड़े को उधेड़ दिया, कांटों भरा ताज ले लिया और अपने आप को हमारे लिए बलि कर दिया। बाइबल कहती है यशायाह की किताब 61 चैप्टर, He has clothed you with His righteousness. उसने आपको उसकी धार्मिकता से क्या कर लिया है, ढक लिया है। अगर 6000 साल बाद पहले एक मेमने को मारकर अगर बाहर का वस्त्र बनाया तो 2000 साल पहले खुदा बाप ने आपके अंदर का वस्त्र, आपके पापों का वस्त्र, आमीन खुदा बाप ने अपना इकलौता पुत्र जिसे मेमना कहा जाता है उस मेमने को बलि देकर क्या किया। आमीन मैं जानता भी नहीं, समझ में नहीं सकता कि आप आज चुप कैसे बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हाउ कैन यू बी क्वाइट, बस शरीर बार रंदले। अगर 1% धार्मिकता तेरे अंदर होता तो तू आज चुप नहीं बैठता। प्रेज़ द लॉर्ड, आज यीशु ने तेरे लिए क्या किया है तुझे पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अब सब बकवास है। प्रेज़ द लॉर्ड, बस शरीर बार रंदले। What Jesus has done for you, तेरा माँ नहीं कर सकता, तेरा बाप नहीं कर सकता, तेरा बेटा नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नहीं करेगा, प्रेसिडेंट नहीं करेगा, कौन करेगा, सिर्फ जिंदा वो मेमना जिसने सब कुछ दे दिया मेरे कारण। आज आपके शर्म को हटाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मैं नहीं जानता आज आपका क्या शर्म है, यीशु क्या कहता है पता है, सारे शर्म को हटाने के लिए आज यीशु का लहू है, यीशु का लहू है, आपके सारे शर्म को वो हटा सकता है। परेशान हो आप अपने पास्ट को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने अपने प्रेजेंट को लेकर, आज यीशु के नाम से है। ओह काश आईसीएम के अंदर कुछ प्रेयर करने वाले लोग आमीन इस सत्य को समझ रहे होते। प्रेज़ द लॉर्ड, की तुझे कितना जरूरी है, अगर प्रेयर करना शुरू करोगे ये सारा वचन तुझे क्लियर हो जाएगा। रगबल हंदले रीबा शथला रंदले रिगबल हत्तले रीबला रबा शथला वंदले बाउडे, उस धार्मिकता के अंदर घुसना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़बड़ाने वाला व्यक्ति, लड़ने वाला व्यक्ति, घबराने वाला व्यक्ति अभी तक परमेश्वर के उस धार्मिक लहू उस कपड़े में अभी तक अंदर घुसा नहीं है। जैसे ही आप उसके अंदर घुस जाओगे, द मोमेंट कैन आई हैव दिस, द मोमेंट गॉड टेक्स, इस प्रकार से आपके सारे नंगेपन के लिए खुदा ने क्या किया पता है, आमीन एक वस्त्र से तुझे ढक दिया है। कल तक जो नंगापन था आज वो नंगापन खुदा ने क्या कर दिया है, हटा दिया है। अब तेरे अंदर दिखने वाला वो नंगापन नहीं है, अब तेरे अंदर दिखता है यीशु का लहू, ये दिख रहा है। This is what God has covered you with, यही है जो मेमने ने तेरे लिए तैयार किया है। Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah। कई लोग सवाल पूछते हैं, पास्टर अरुल इतने लोग यीशु को क्यों मानते हैं, क्योंकि मैं उनको कहता हूं क्योंकि यीशु सबसे अलग है, सबसे अलग है।
आमीन। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में, मानव जाति को बनाने से पहले, भूखंड को बनाने से पहले, आमीन, चंद्रमा तारे और गैलेक्सीज को बनाने से पहले, आमीन, हर पेड़ का निर्माण होने से पहले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और यीशु एक साथ बैठे और फिर बोला, आओ लूसीफर एक दिन आएगा, हाथों से बनाए हुए सृष्टि को खत्म करेगा, पाप लेकर आएगा। आमीन। यीशु ने कहा टेंशन नहीं है, बिफोर द फाउंडेशन of the world, कुछ भी आने से पहले यीशु ने कहा मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आप को देने के लिए। आज कौशल तेरे लिए यीशु का लहू है, आज रोशन तेरे लिए यीशु का लहू है, आज विल्सन तेरे लिए यीशु का लहू है, अगर कोई लाइट देख रहा है तेरे लिए यीशु का लहू है। Let every shame be broken, हर शर्म टूट जाए, निकल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। आज लोग आज भी आपको पुरानी चीजें याद दिला रहे हैं, आज भी लोग आपको क्या याद दिला रहे हैं, पुरानी चीजें याद दिला रहे हैं। मैं आज आपको कुछ नया याद दिलाने आया हूं। अगली बार वो तुझे तेरा बाप गिनवाए, वो तुझे तेरी कमी गिनवाए, वो तुझे तेरी कमजोरी गिनवाए, तो उन्हें तूने बोलना आई एम कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। मैं यीशु के लहू से ढपा हूं, मैं उसके भीतर मैं ढपा हूं, मैं उसके अंदर हूं, तेरे कहने से नहीं, तेरे बोलने से नहीं, यीशु का लहू मेरे ऊपर है। द ब्लड ऑफ जीसस इज अपॉन मी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज उस वस्त्र के नीचे आ जाओ, आज उस वस्त्र के अंदर आ जाओ। क्या दे सकता हूं मैं आपको? वो वस्त्र जो आपको यहां भी टिकाएगा और वो वस्त्र आपको वहां भी टिकाएगा। ये वस्त्र ले लो बहन, तो मेरी बात को सुन ले, ये वस्त्र ले जा आज घर में। ओ धार्मिकता का वो वस्त्र आज ले जा जो मेमने ने 2022 साल पहले तेरे लिए तैयार किया, और अपने घर में जा, और वो बच्चा जो तेरी बात नहीं सुनता, वो पति जो बात नहीं सुनता, वो पत्नी जो नहीं सुनती है, वो जो घर जो तेरे लिए आशीष नहीं है, ये ले जा वहां पे और इसे डाल दे, इसे डाल दे, इसे डाल दे, उस रिश्ते में डाल दे, आई मीन उस रिलेशनशिप में डाल दे, तू खुदा का अद्भुत कार्य देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कमजोर है, इसको अपने ऊपर डाल दीजिए। ओह दिस इज पावर, एंड आई विल क्लोथ यू विद द क्लॉथ ऑफ राइटियसनेस, और मैं तुझे एक नया वस्त्र पहनाऊंगा, और वो कौन सा होगा? धार्मिक का वस्त्र। 1912 अप्रैल महीने में दुनिया के सबसे ताकतवर शिप ने, आमीन, इंग्लैंड से रवाना हुए अमेरिका जाने के लिए। सारे दुनिया में तहलका मच गया, सारे दुनिया में हर जगह ये बात फैल गई कि दुनिया का सबसे ताकतवर शिप आरएमएस टाइटैनिक 1912 में जाने के लिए तैयार हो गई। आमीन। उसको बनाने वाले ने इस प्रकार से कहा, अगर खुदा भी चाहे तो इसको तोड़ नहीं सकता है। पहला दिन निकाला, दूसरा दिन निकाला, तीसरे दिन के यात्रा में, आमीन, अधिक सामर्थी टाइटैनिक आरएमएस, आमीन, यूएसए की ओर कदम बढ़ा रही थी, तो उसने बहुत दूर से देखा कि एक आइसबर्ग उसके सामने है, एक बड़ा आइस का पहाड़ उसके सामने है, उसके ताकतवर प्राइड के सामने उसे लगा ये छोटा सा ये आइस मुझे क्या कर सकता है। कप्तान ने बोला डरने की जरूरत नहीं है, बढ़ाओ आगे
रफ्तार भी कम करने की जरूरत नहीं है, बढ़ाओ आगे। हिस्ट्री में बताती है उसने रफ्तार बढ़ाई, वो वहां से गया, उसके 6 पाइप्स उससे टकराकर टूट गए। मिनटों के अंदर आर्मिस टाइटैनिक ने अपना दम तोड़ दिया। जिसको यह घमंड था कि खुदा भी उसे डुबा नहीं सकता, एक छोटे से आइस ने आमेन सालों साल बनने वाले उस जमाने के दुनिया के सबसे ताकतवर स्टील से बनने वाला उस आर्मिस टाइटैनिक को बीच समुद्र में ठहरवा दिया। 3,000 से अधिक लोग उसके अंदर यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में। मिनटों के अंदर पूरे के पूरे थर्ड क्लास में पानी भर गया। उस दिन 1528 लोगों का मौत हो गया, 1528 पीपल डाइड दैट डे। उसके बीचों बीच जब शिप टूट रहा था, उसके अंदर उसकी कई सारी कहानियां, लेकिन एक जो मैं आपको दे रहा हूं वो डॉक्यूमेंटेड कहानी है। उसके अंदर एक प्रभु का दास था, बहुत फेमस नहीं था, बहुत बड़ा प्रभु का दास नहीं था, एक छोटा सा प्रभु का दास जिसका नाम जॉन हार्पर था। जॉन हार्पर एक विडोवर था। जॉन हार्पर जब उसे समझ आ गया डूबने जा रहा हूं, तो जॉन हार्पर के पास मौका था, वहां पे एक लाइफ बोट थे, उसके सामने लाइफ बोट था, वो चाहे तो उसके अंदर चढ़कर वो अपने बच्चे के साथ रवाना हो सकता था, लेकिन उसने अपनी बेटी को लिया, अगर मैं गलत नहीं तो शायद 6 साल की बेटी को उसने उठाया, उस बोट के अंदर रखा और बोला परमेश्वर तुझे संभालेगा। आमेन। उसे धक्का देकर कुछ लोगों के साथ उसे बाहर भेजकर जॉन हार्पर ने आमेन पानी के अंदर तैरना शुरू किया। मिडनाइट के बाद के कारण वहां इतना ठंड था, जितना उससे तैरा जाए वो तैरने लगा और लोगों के पास गया। कुछ को उसने बचाया और फिर जाकर लोगों से पूछने लगा एक क्वेश्चन, आर यू सेव्ड? सवाल पूछा गया, क्या मतलब? नहीं, मैं तो पानी में हूं। नहीं, बोला नहीं, ये पानी से बचने वाला सेविंग नहीं। बोला क्या आपने यीशु को ग्रहण किया है, पाप से मुक्ति प्राप्त किया है? एक ने टुकरा दिया, वो अगले के पास गया, आर यू सेव्ड? फिर किससे पूछा, आर यू सेव्ड? उसकी बच्ची उससे दूर जा रही है, बचने का मौका था, लेकिन तैर तैर के वो एक एक व्यक्ति के पास जाके पूछता है, आर यू सेव्ड? एक लड़के के पास गया और उससे बोला, आर यू सेव्ड? लड़का उसे इग्नोर करता, बोला नो। वो कहता है एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। उसने बोला नो। थोड़ी देर के बाद वापस फिर आया, वो देखा तो वो लड़का अभी भी वहां पे, बोला आर यू सेव्ड? एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। 4 साल बाद आरएमएस टाइटैनिक के जाने के 4 साल बाद, 1528 लोग मरने के 4 साल बाद, हमें हिस्ट्री बताती है, कनाडा में जब एक ग्रुप मिला तो उसके अंदर एक यंग स्कॉटलैंड का एक व्यक्ति था जिसका नाम था एगुला वेब। एगुला वेब ने उस दिन कनाडा हैमिल्टन में खड़े होकर प्रेज लॉर्ड इस प्रकार से कहानी बताई। बोला मैं डूब रहा था, मेरे पास एक व्यक्ति आया और मैं जानता हूं उसका नाम क्या, उसका नाम था जॉन हार्पर। जॉन मेरे पास आया। कौन आया? जॉन। नाम का वैल्यू समझो, जॉन। आमीन। जॉन मेरे पास आया और जॉन ने मेरे को देख के इस प्रकार से पूछा, क्या तुमने यीशु को स्वीकार किया है? आर यू सेव्ड? एगुला वेब ने बोला नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया है, मैंने मना कर दिया। उसे तेज लहर आई, उसको उठा के ले गई। कुछ देर बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है, ये व्यक्ति फिर से मेरे पास आ गया, कोई लहर उसे वापस ले आई। तब तक वो थक चुका था, तैरने का दम खत्म हो चुका था। उसने मेरे से फिर सवाल पूछा, आर यू सेव्ड? क्या तूने यीशु को ग्रहण किया है? मैंने उस मरने वाले व्यक्ति को देखकर बोला नहीं, पर मैं आज यीशु को ग्रहण करूंगा।
एक्विला वेब उस आखिरी बोट में जो आखिरी 7 लोग बचाए गए उसमें से एक व्यक्ति एक्विला वेब था। उसने बोला मैं ये विश्वास करता हूं कि मैं वो आखिरी व्यक्ति था जो बचाया गया और यीशु को जाना जॉन हार्पर के कारण। दुनिया में हम लोगों को देते हैं प्रेज द लॉर्ड बड़े बड़े अवार्ड्स। अगर मेरे पास कोई अवार्ड देने के लिए होता सबसे पहले मैं जॉन हार्पर को देता। अपनी बेटी को छोड़कर उसने कहा एक बार मौका मिले, किसी को बचाने का मौका मिले तो मैं बचाऊंगा। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि जिस दिन तेरे ऊपर धार्मिकता का वस्त्र आ जाता है आमीन, तेरा लक्ष्य जीवन का बदल जाएगा और लक्ष्य एक होगा, जो मेरे ऊपर वस्त्र आया है वो किसी और के ऊपर भी आना चाहिए। वो जब मुझे छुटकारा मिला है वो किसी और को भी मिलना चाहिए। सेल्फलेस एक्ट ऑफ लव। जैक और रोज का टाइटैनिक देख देख के फालतू की कहानी देखकर हमें लगा उसके अंदर इतना ही है। उसके अंदर पियानिस्ट थे, जब उन्हें पता लगा कि ये खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने वो डेक पे जाके खड़े हो गए सारे पियानिस्ट, क्योंकि ये सारे मसीह थे, सारे मसीह। हालेलुया। अब उन्हें पता लगे वो देखना ये सब चाहे तो बोट में चढ़कर बच सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। और पूरा का पूरा पियानिस्ट का टीम, पियानिस्ट कह रहा हूं वायलिनिस्ट का टीम, हाँ यस, आया और उन्होंने वायलिन बजाया और उन्होंने गाना गाया गिव मी अ जी कॉर्ड। नियर माय गॉड टू दी, नियर टू कुछ भी गा सकते थे सर। ये जो मूवीज हम देख रहे हैं ना, मरते वक्त आदमी ना मूवी के गाने नहीं गाता है। मैं आज तक किसी व्यक्ति से नहीं मिला जो मरते वक्त कह रहा हूं आ भाई ये वाला गा दे। तब याद आता है वो 5 वो 6 जवान मर्द, चाहे तो उस दिन वो बच सकते थे, बट दे सेड नो, हमारे बदले 6 और औरतें या 6 बच्चे बच जाए। और उन्हें पता था द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग दैट वी हैव टुडे इज टेक दैट वायलिन एंड प्ले इट। नियर माय गॉड टू दी, नियरर टू दी, आई मीन जितना परमेश्वर मेरे करीब है उतना ही मैं परमेश्वर के करीब हूं। आमीन। बाकी सब मृत्यु में हड़बड़ी मचा रहे थे, लेकिन ये 6 प्रभु के दास लोग हड़बड़ी नहीं मचा रहे थे, ये परमेश्वर में आनंदित हो रहे थे। उन्होंने कहा लेट द डेथ कम, वी आर मोर क्लोजर टू जीसस क्राइस्ट। उनका धार्मिकता देखो और आज की कलीसिया का धार्मिकता देखो। और आप कहते हैं हम धार्मिक हैं, या तो हम धार्मिक हैं या फिर वो धार्मिक है। मृत्यु में तेरे सामने लाइफ बोट है लेकिन तूने जीवन बचाया नहीं अपना, पर कई और हजारों का तूने यीशु के नाम में उस दिन क्या कर लिया, हमें तूने बचा लिया। आज वो धार्मिकता का वस्त्र हर एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या करेगा, आमीन, आने वाले दिनों में देने के लिए परमेश्वर तैयार है। आज उस धार्मिकता के वस्त्र के अंदर आ जा। सारा शर्म और हया, आमीन, जो शैतान ने शर्म डाला हुआ है ना कि आमीन तेरा पास तेरा जीवन तेरा ये तेरा वो सब कुछ आज निकाल के हटाओ, प्रेज द लॉर्ड। और आज खुदा को बोलो मुझे मेरे ऊपर वो लहू डाल दे खुदा बाप, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इसी के लिए परमेश्वर आज आया ताकि वो दुनिया का सबसे कीमती चीज आज आपको वो दे सके। आज यहां से जाते वक्त उस कीमती चीज को लेकर आप जाना, इट इज द ब्लड ऑफ जीसस, इट इज द ब्लड ऑफ जीसस। कोई आपसे पूछे आज संडे क्या मिला, उन्हें बोलना मुझे डायमंड से भी बेहतर, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, मेरे पास भलाई है। ई माइनर, डायमंड से भी बेहतर मेरे पास भलाई है, किसी और चीज से भी बढ़कर मेरे पास
क्या है वो भलाई? मेरे पास यीशु का लहू है। इसी के लिए अनिल कान जी ने वो गाना लिखा, यीशु का लहू है रूबतो वाला, गिरते हुए सभा। कितने लोग कह सकते हैं यीशु का लहू है रूबतो वाला, गिरते हुए को लहू ने संभाला, छू मुझे छू पाक रूप मुझे छू छू मुझे छू पाक रूप मुझे छू। कहिए Holy, holy.
किसी भी प्रकार का अगर शर्म मेरे भीतर अगर है, अगर आपको शर्मिंदगी में डालकर खुदा से दूर करकर अगर शैतान ने कोई भी ऐसा दाव आपके खिलाफ किया है, चाहे वो आंखों की अभिलाषा हो या शरीर की अभिलाषा हो या अगर घमंड हो, तो क्या आज खुदा के सामने उस मेमने के उस वस्त्र को अपने भीतर लेने के लिए क्या कोई आज तैयार है? कोई है जो आज कह सकता है मुझे वो वस्त्र, मेमने के लहू का वस्त्र मुझे चाहिए, चाहिए। जरा एज एन एक्ट ऑफ फेथ विश्वास के साथ अपने हाथों में विश्वास कीजिए वो वस्त्र है, और उसे अपने ऊपर ओढ़ ले आज यीशु के नाम में, अपने ऊपर लगा ले आज यीशु के नाम में, अपने सर पे लगा ले आज यीशु के नाम में। और मिलके अब मेरे साथ कहिए, धन्य तेरा नाम यीशु, सब वर्णन से अपार यीशु, धन्य तेरा नाम यीशु, सब वर्णन से अपार है ये। मैं चाहता हूं इस समय उस वस्त्र को अपने ऊपर महसूस कीजिए, वो वस्त्र जो जिंदा है, वो जो तुझे चंगाई देगा, वो वस्त्र जो तेरे परिवार को बदलेगा, वो वस्त्र जो तेरे अंदर के पापों को हटाएगा, वो वस्त्र जो तेरे घमंड को तोड़ेगा। यीशु धन्य तेरा नाम है यीशु, वचनों को आप रिसीव करना चाहते हैं तो अपने पवित्र हाथों को जहां कहीं से भी आप जरा उठाइए। रिसीव दिस वर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग। आज से परमेश्वर तेरे भीतर एक नया वस्त्र, 2000 साल पहले कालवरी के उस गुलगोता में बहाया गया वो लहू का वस्त्र,
वस्त्र, वो तेरे शर्म को हटाने के लिए, तेरे झुके हुए सर को हटाने के लिए, तेरे विषय के मध्य में कार्य करने के लिए आज रिसीव करे यीशु के नाम में उस मेमने का लहू। आज तेरे भीतर, तेरे परिवार के भीतर, तेरे जीवन में कार्य करे, प्रार्थना करते हैं। हे यीशु, यस लॉर्ड, प्रभु जी, आज हम में से कोई भी यहां से खाली ना जाए। वो तीनों हथियार शैतान के अगर है तो आज यीशु के नाम से वो सारे बंधन आज टूटकर, गिरकर, अलग होकर, शर्म का ताका तोड़कर हमें स्वतंत्रता दे दीजिए। ऐसा करने के लिए धन्यवाद, आदर और महिमा हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को ही मिले। यीशु के नाम से आइए इस आखिरी वचन को रिसीव करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का करुणा, पवित्र आत्मा का संगति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक बना रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो जल्दी आने वाला यीशु मसीह की।